हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राम सर का नमस्कार। तो दोस्तों, ये 25 अगस्त आज के पेपर की फर्स्ट शिफ्ट का हम यहाँ पे पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप अपने आंसर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने आंसर आपने सही किया है। तो दोस्तों, अभी जो होने वाले एग्ज़ाम हैं सभी में दोस्तों हम इसी तरह से आपको यहाँ पे आंसर की प्रोवाइड कराएंगे, ओके, और एनालिसिस करेंगे कि आपने आखिर में कितने क्वेश्चन आपने सही किया है। और दोस्तों, यही है कि अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करते रहें दोस्तों, ओके। तो दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं पेपर एनालिसिस। अब पहला जो क्वेश्चन है ये स्टार्ट करते हैं, और हमारी यूपी पुलिस के लिए स्पेशल टेस्ट भी, अगर आपने इनरोल नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर है। सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में आपको बताना है देश की वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि आपसे पूछी है कि कितनी वृद्धि हुई है। आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा इसमें आप थोड़ा सा यहाँ पर आपका 8% या फिर आपको 7.3%, इन दोनों में से एक आपका आंसर रहेगा। यानी कि या तो पहला हो जाएगा या फिर आपका लास्ट वाला हो रहेगा है, ऑप्शन नंबर ए या डी दोनों में से एक आपका रहेगा। आप देख सकते हैं कौन सा आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है। सूर्य का जो प्रकाश है ये पृथ्वी पर पहुंचने में इसको 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। तो 8 मिनट 20 सेकंड यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सरकार की संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है और यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है। भारत की संघीय प्रणाली के बारे में पूछा गया, भारतीय संविधान सरकार की संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है। तो आपसे यही पूछा है कि किस देश के नमूने पर आधारित है ये प्रणाली, संघीय प्रणाली। तो संघीय जो प्रणाली है, अगर इसका पता है कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है यूनाइटेड किंगडम से। आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, MPC का पूर्ण रूप आपको बताना है। पूर्ण रूप से फुल फॉर्म से लगातार क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो आप देख कर जाएं फुल फॉर्म जो है आपका पूछा गया। MPC का फुल फॉर्म पूछा गया। MPC का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसको बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है। विनय पिटक पुस्तक आपसे पूछा है, विनय पिटक पुस्तक इसका संबंध किससे हो जाएगा, बौद्ध संघ के नियम से हो जाएगा, रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट संघ, यानी कि आपका सी ऑप्शन का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, GDP डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है। GDP डेटा की गणना करना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय जो संगठन है ये जिम्मेदार है इसके लिए जिम्मेदार है भारतीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, नेशनल स्टेटिकल ऑफिस, यानी कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, देखिए कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। क्राइम एंड पनिशमेंट ये किसने लिखा है, किसके द्वारा ये लिखा गया, जल्दी से बताइएगा सभी लोग। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फ्योडोर दोस्तोवस्की। आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तोवस्की, फ्योडोर दोस्तोवस्की। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाओस की राजधानी है, लाओस की राजधानी आपसे पूछी है, लाओस की राजधानी कौन सी हो जाएगी। वियन तियाने आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, वियन तियाने ये लाओस की राजधानी है। कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है। ये जो जिम्मेदार संगठन इसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कल से भी क्वेश्चन आपका बना था, कल भी आपका जो WTO है इसकी महानिदेशक के बारे में क्वेश्चन बना था और आज वापस क्वेश्चन बना है। तो याद रखिएगा WTO आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इनको आप जरूर से देख के जाए, इनसे लगातार क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला जो क्वेश्चन है ये देख सकते हैं, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारत में मोबाइल फोन पर GST दर क्या है। भारत में मोबाइल फोन पर जो GST दर है ये है 18%, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, GST परिषद में कितने सदस्य हैं। तो GST परिषद में क्या है ये 33 जो है मेंबर है इसमें GST काउंसिल में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान का पहला चरण क्या है। अनुसंधान का जो पहला चरण है ये कौन सा है, तो यह है समस्या की पहचान करना। अनुसंधान का पहला चरण है समस्या ढूंढना, उस समस्या की पहचान करना। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी और आपका सी, ये आप देख लीजिए बी और सी, पहला चरण है ये समस्या ढूंढना और आपका दूसरा चरण हो जाएगा समस्या की पहचान करना। समस्या ढूंढना, समस्या की पहचान करना आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला चरण समस्या ढूंढना, दूसरा समस्या की पहचान करना। अगला क्वेश्चन है,
18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी जो मानव अधिकार डिस कहलाते हैं, तो ये जो कहलाते हैं 18 वर्ष के कम आयु के व्यक्ति के सभी जो मानव अधिकार कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं, तो बाल अधिकार बोला जाता है, बाल अधिकार फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म सिंचाई जो है कब शुरू की गई थी, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी जनवरी 2006 में, जनवरी 2006 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि सोशल मीडिया पर टीबीटी यानी कि टीबीटी का अर्थ आपको बताना है, टीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, टीबीटी का अर्थ होता है थ्रोबैक थर्सडे, आपका करेक्ट आंसर रहेगा थर्सडे, आपका थ्रोबैक थर्सडे ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ भी रहेगा, थ्रोबैक थर्सडे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है सी आर आई एस पी आर है ना, और सी एस 9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, इसका जो यूज होता है ये किसके लिए होता है, जीन का संपादन के लिए होता है, एडिटिंग जीन्स, जीन के संपादन के लिए, एडिटिंग के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान दिवस जो है 2024, इसका आपसे क्वेश्चन बना है, दिवस आपसे इससे पहले पूछा जा चुका है दिवस कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है, आज पूछा है राष्ट्रीय समुद्री जो दिवस है 2024 इसका थीम जो है या विषय क्या है, तो इसका जो विषय है या थीम है यह है भविष्य को नेविगेट करना सुरक्षा पहले, यानी कि नेविगेट द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, यहां पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर इसके साथ में रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पूर्व परीक्षण पूर्व विचारण विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, इसका जो मुख्य लक्ष्य है ये है परीक्षण विचारण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करना है, ये ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन है हमारा, यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 131 आपका यहां पर है, और क्वेश्चन आपका कह रहा है सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने धमकाने और उत्पीड़न करने बदनाम करने और या अन्य किसी प्रकार के जो मानसिक पतन है का कार्य है ये आपको बताना है, तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, इसका रहेगा यहाँ पर साइबर धमकी है, बेसिकली साइबर बुलिंग इसको हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्या भूमिका है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है, ये नवाचार उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है, ये ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में महात्मा गांधी ने के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला जो सफल उदाहरण था ये कौन सा था, ये था चंपारण सत्याग्रह, चंपारण ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। पहला पूछा है आपसे इनका सफल भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था, भारत जोड़ो छोड़ो जो आंदोलन है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन है ना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसके जवाब में शुरू किया गया था, ये जो शुरू किया गया था ये किया गया था क्रिप्स मिशन के जवाब में, फर्स्ट ऑप्शन क्रिप्स मिशन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है, तो ये आपका कौन सा आर्टिकल करता है, कौन सा संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है ये प्रावधान करता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से कब तक काटी जाती है, तो ये जून तक काटी जाती है, जून तक, तो मई जून तक ये काटी जाती है, तो जून हमारा फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना, इसका उद्देश्य सुरक्षा गार्ड का आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना है ना, तो यहाँ पर NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका फुल फॉर्म है NSG का, NSG कमांडो का नाम आपने सुना होगा, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाने का मुख्य उद्देश्य होता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है, अम्लीय वर्षा के लिए जो जिम्मेदार है ये सल्फर डाइऑक्साइड, आप सभी ने नाम सुना होगा, पता होगा आप सभी को, ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ये चाइना है, चाइना ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक भारत के जो उपराष्ट्रपति इनका नाम क्या है, जगदीप आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन है 2016 में साक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन
जो रहेगा ये असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है क्या, इसको प्रवास बोला जाता है, प्रवास, ऑप्शन डी वाला। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से क्वेश्चन है, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई 1900, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है, तो इस शहर का नाम आपको बताना है, शहर का नाम क्या है, इस शहर का नाम है वाराणसी, वाराणसी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्र कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और इसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से जो है प्राप्त हुआ था, तो इसका नाम आपको बताना है, इनका नाम है क्या, अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेन आयर किस लेखक लेखक ने लिखी, जेन आयर जो लिखी ये लेखक ने लिखी थी, ये लिखी थी शार्लोट ब्रांटे ने, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ट्विटर क्या है, ट्विटर एक देश पर आधारित संचार मंच है, यानी कि ट्विटर इज एन बेस्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा SMS, SMS बेस्ड, ये चैट यहाँ पर आपको याद रखना है, ट्विटर इज एन SMS बेस्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है, भारत जो है लिपुलेख दर्रा साझा करता है ये किस, चाइना के साथ में, फर्स्ट ऑप्शन आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है, दक्षिण कोरिया की यहाँ पर बात की जा रही है, साउथ कोरिया की, विच करेंसी इज इन यूज इन साउथ कोरिया, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉन, साउथ कोरिया की, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आपका है, देश आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, ये कौन सा आक्रमण होता है, ये आक्रमण होता है मालवेयर, मालवेयर अटैक ये होता है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस जीके के हम आपको कवर करवा पूरे पूरे 78 क्वेश्चन आपको हम कवर करवा दिए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं हिंदी की ओर, हिंदी के जो क्वेश्चन है वो भी आपको हम कवर करवा जो आपके एग्जाम में पूछ गए हैं, क्लियर है, हिंदी के अब क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं फटाफट जो आपके एग्जाम में पूछ गए, क्लियर है, यहाँ पर हिंदी जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको अब जो है दिखाई दे रहे हैं, आई थिंक आपके सामने विजिबल है क्वेश्चन, ठीक है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हमने जीके का पूरा आपका कवर करवा दिया, और आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लियर गाइस, ठीक है, यहाँ पर हिंदी जो है हमने निकाल लिए, हिंदी का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 58 नंबर का क्वेश्चन, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द आपको बताना है, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है, तो लक्ष्य का अनेकार्थक जो शब्द है निशाना हो जाएगा, निशाना ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, नागर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, नागर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, और ये अगर आप देखेंगे अलग अलग बुक में आपको अलग अलग आंसर इसके मिलेंगे, कहीं पर आपको नगर, कहीं पर ग्रामवासी और कहीं पर चतुर आपको देखने को, यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है आप देख लीजिएगा, बाकी आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका राइट आंसर किसके साथ में जाएगा, ऑप्शन नंबर BCD अलग अलग बुक्स में आपको ये तीनों देखने को मिल जाएंगे, बाकी आप नागर का पर्यायवाची शब्द जो है आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपने किया है उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जो चीजें थी वो आपको क्लियरली बता दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माला फेरत जुग भया है ना, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारे दे, मन का फेर, इस दोहे में कौन सा अलंकार है ये आपसे पूछा है, इस दोहे में जो अलंकार आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर यमक अलंकार है, यमक सेक्शन करेक्ट आंसर रहेगा। किसी की सहायता करने वाले लिए एक शब्द कौन सा है, तो सहायक ये होता है, सहायता करने वाला सहायक, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है, करण कारक का जो प्रयोग किया गया है ये साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्निहित शब्द का सही संधि जो विच्छेद होगा ये कौन सा होगा, तो अंतर्निहित होगा, ऑप्शन नंबर डी विसर्ग संधि आपका यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार के क्षेत्र दिया जाता है, ये जो दिया जाता है ये दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन। चलिए क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, आपसे कल भी ये क्वेश्चन बना था, कल या परसों में क्वेश्चन आपका बना था क्रोध वाला, क्रोध रस, तो क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा रौद्र का, रौद्र का आपसे पूछा था,
क्रोध होता, यहाँ पर उल्टा पूछ लिया, क्रोध का पूछा है, क्रोध किसका स्थायी भाव है, तो ये रोध रखा हो जाएगा। इस तरह से बाकी क्वेश्चन सेम है आपका। अगला है हिंदी में का बहुवचन आपको बताना है। हिंदी में का जो बहुवचन है ये हो जाएगा हम, डी ऑप्शन वाला। अगला है विरोध का के लिए सही मुहावरा कौन सा है, विरोध करना यानी कि सहना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्रोत और स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिएगा, तो यहाँ पर आपका उद्गम और हो जाएगा, उद्गम और स्तुति, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है, अली अली का शब्द हो रहा और सकी, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। पुस्तक पढ़ी जाती है इसमें कौन सा वाच्य है आपको बताना है, पुस्तक पढ़ी जाती है इसमें कौन सा वाच्य है, तो यहाँ पर गाइस कृतवाच्य कर्मवाच्य दोनों आपका यहाँ से ए या डी दोनों या कृत या कर्म जो दोनों में से एक आपका यहाँ पर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यहाँ पर कौन सा जो शब्द है ये तत्सम नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर जो है नेह नेह ये तत्सम नहीं है, आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन रहेगा। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिएगा, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, तो अध्यात्म जो है यहाँ पर प्रस्तावित इसको करना है, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, कौन सा अध्यात्म सही है यहाँ पर आपको देखकर बताना है, तो पहला करेक्ट आंसर रहेगा महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, अध्यात्म था ये जो गलत था, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा रहेगा, शुद्ध वाक्य यहाँ पे हो जाएगा बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा गम ही शब्द है ये क्या है, गम ही शब्द तद्भव है तत्सम है, यहाँ पर आपका दोनों में से एक होगा तद्भव या तत्सम दोनों आपका हो जाएगा। कपाल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है, कपाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, माथा हो जाएगा, सी ऑप्शन वाला। जो संज्ञा शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं बोला था विशेषण, विशेषता ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा निराश होना डी ऑप्शन। चलिए अगला है ऐसा का अर्थ बताना है, ऐसा का अर्थ क्या है, तो ऐसा का अभिलाषा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। विद्वान का स्त्रीलिंग आपको बताना है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ से भी आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए अगला है वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करिएगा, ओहो बहुत कठिन से में आया है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला विराम चिन्ह होगा। 2020 का ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है किस रचनाकार को दिया गया, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार आपसे पूछा है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलमणि फन को दिया गया 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है, थी जो है ये कौन सी क्रिया है, तो ये योजक क्रिया आपको देखने को मिलेगी। पूरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बाद बद उपसर्ग किस भाषा का है, पूरे पूरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग जो है किस भाषा का है आपको बताना है, ये आपको देखने को मिलता है उर्दू और फारसी का, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार आपको बताना है कौन है, आत्मनिर्भरता निबंध के जो रचनाकार है इनका नाम है बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है, समश्रुत भिन्नार्थक इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से अंत और आरंभ ये नहीं है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस प्रकार या किस समास का उदाहरण है, जल समाधि। क्लियर है, ये जो समास है ये तत्पुरुष समास आपको देखने को यहाँ पर, बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है, बोलने दो चीड़ को ये किसकी काव्य कृति है, तो ये नरेश मेहता की है, नरेश मेहता फर्स्ट ऑप्शन। द्विज के अनेकार्थी शब्दों के लिए मैं निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है द्विज में, से जो द्विज में नहीं आता ये विधेय नहीं आता है, विधेय सी ऑप्शन वाला। वह उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है ये आपको बताना है, वह उपसर्ग से बना जो शब्द है ये बहुत बदौलत हो जाएगा, बदौलत फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अब यहाँ पर ये गद्यांश आ चुका है आपके सामने, पहले तो इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लें ताकि आप सारे जो क्वेश्चन आपको बने यहाँ पे मिलेंगे वो आप अच्छे से बना पाए। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन से, देखिए क्वेश्चन है इसका इस जो आर्टिकल है या गद्यांश है इस अनुच्छेद के अनुसार के सार में किस भाषा पर ज्यादा जोर देने की बात कही गई है, इस पर जो है हिंदी भाषा पर ज्यादा जोर देने की यहाँ पर बात की गई है, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज्यादा संभावना है, इसका नाम हिंदी है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, राष्ट्र भाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है, इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर रहेगा क्षेत्र सीमित होना होता है। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई, आपका बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक आपको बताना है, क्या था उचित शीर्षक था, जनभाषा, 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 यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ से करेक्ट आंसर बी। तो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर हमने कवर करवा दिया है और हिंदी के भी पूरे पूरे जो क्वेश्चन है ये करवा दिए आपके एग्जाम में जो पूछे गए 37 या 8 जो जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पूरे आप हमने कवर करवाए। इस हिसाब से हम 75 जो क्वेश्चन है आपको कवर करवा चुके हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा।